नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दशहरा के मौके पर मुंबई के बोरीवली में रावण दहन किया गया। जी, आपको बता दें कि उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेट्टी और बोरीवली विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार सुनील राणे के हाथों रावण का दहन किया गया। इस मौके पर गोपाल सेट्टी ने कहा कि रावण का दहन हो गया और जल्द ही राम मंदिर पर भी कोर्ट का फैसला आएगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वहीं सुनील राणे ने कहा कि बोरीवली में एक ऐसा विकास करेंगे जो इतिहास रचेगा। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। का धन हुआ है। दशहरा के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर भी ढेर सारी शुभेच्छा और शुभकामनाएं। आज रावण दहन हुआ है, बहुत ही जल्दी राम मंदिर का निर्णय आएगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति की सरकार आएगी और देश में एक नया वातावरण हम सबको देखने के लिए मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तानी वासियों को आज विजयादशमी की मैं शुभेच्छा देता हूं, लाख लाख शुभेच्छा देता हूं। आने वाले समय में हिंदुस्तान की नई निर्मिति, एक हिंदुस्तान नए सिरे से नई राह पे चलने का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उनके मन का भारत निर्माण करने का काम हम करें। बोरीवली का जो काम, न बल्कि सिर्फ बोरीवली, इस उत्तर मुंबई में जिस तेजोधर से काम करने वाले हमारे गोपाल शेट्टी जी, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आने वाले समय में बोरीवली का ऐसा विकास करें कि बोरीवली एक नया इतिहास रचे।